हम अभी आपका मैं कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। सर कोर्स अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में शुरू से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मतलब जब व्हेन आई फेस फेस तब से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तब से स्टार्ट हो जाएगा। आज चलिए अगर आप बोलोगे तो मैं आज से आपके स्टार्ट कर सकता हूं। कर दीजिए, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो आज हम अपनी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पार्ट वन मतलब कि लेवल वन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है। और मैं मुकुल जी पहले बता दूं कि शुरू के कुछ क्लासेज आपको थोड़ी सी बेसिक लगेगी, क्योंकि हम हर चैप्टर को एकदम शुरू से पढ़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल नील समझ रहा हूं कि आपको कुछ एक्सेल नहीं आता है, और आपको स्टार्टिंग से शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप मुझे पता है कि आपको एक्सेल की नॉलेज थोड़ी बहुत है, बट मुझे इस बात का ये नहीं है, मतलब इस बात ये पता नहीं बात कि आपको कितना एक्सेल आता है और क्या नहीं आता है और क्या आता है। इसलिए कोई टॉपिक छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक्सेल आर्किटेक्चर के बारे में। जो एक्सेल आपका है, इस एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो आपका एक्सेल है बेसिकली ये स्प्रेडशीट है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो एक रजिस्टर है, जैसे हम लोगों का अटेंडेंस रजिस्टर होता था या लेजर्स करते थे, जो भी हम अपने स्कूल लाइफ में रजिस्टर परचेज करते थे लाइनिंग वाले, जस्ट लाइक ए रजिस्टर, जिसमें आपके कॉलम्स एंड रो है और नंबर ऑफ सीट्स है। समझ गया? तो उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, जिसमें हम अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए तो अगर हम एक्सेल सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले बताना होगा कि एक्सेल क्या है। जिसे बताया कि इससे एक स्प्रेडशीट है, रजिस्टर रजिस्टर है, मैंने आपको बता। तो अब दूसरी बात आती है कि हम इसका यूज कहां कहां करेंगे, इसका यूज और पर्पस क्या है, क्योंकि अभी तक आप लोग यूज करते हो रिपोर्ट बनाने बनाने के लिए। लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करके देखें कि आप इसको हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं, तो क्या निकलेगा निष्कर्ष? तो ये मेरा ओपिनियन है कि मैंने इसको अपने एंड पे एनालाइज किया है कि कितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं यूजेज है इसके। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है हमारा स्टोरेज का। अब बोलो जैसे स्टोरेज हमको इसके लिए डेटाबेस यूज करते हैं, तो फिर इसका यूज क्यों करेंगे? हर कंपनी में अपना एक डेटाबेस होता है, अगर टेबल कंपनी है तो एमएडीएस होगा, सेबर होगा, अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनी है तो आईलोन है, या फिर आपकी इवेंटी वाली कंपनी है, प्रोडक्ट सेलिंग या जो भी कंपनी है, उनके पास स्लैब वगैरह होगा, सैस वगैरह होगा। एक्सेल भी यूज करें, क्योंकि एक्सेल नॉट ए डेटाबेस। डेटाबेस के क्राइटेरिया किसी भी क्राइटेरिया को फुल नहीं करता, किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है हमारा एक्सेल, और नहीं हमारा सिक्योर है। तो स्टोरेज के मतलब ये हुआ कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है? एक टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा क्यों? एक सुनो कीजिए। हाँ चंद्रशेखर जी। हाँ सर, लॉगिन किया है सर, एक सेकंड जी, वो बता रहा था इसका स्क्रीन। ओके टेन डॉट टेन डॉट, अच्छा टेन डॉट टू डॉट टू डॉट वन। अच्छा, ये नहीं था ना, इसमें क्या बोला था यूज आपने? हाँ एमएलसी अच्छा प्लीज डू नॉट लॉग आउट। लॉग इन तो कर दिया सर?
विपत्ति हटा नहीं है लिमिटेड हाँ बोले फैक्टर ठीक है थैंक यू। सॉरी सर ओके तो पहला हमारा सिचुएशन है वो स्टोरेज का है कि हम स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। स्टोरेज के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो नेक्स्ट आता है आप समझ गए स्टोरेज क्यों यूज करेंगे टेम्परेरी डेटा स्टोरेज जैसे कि पेट्रोल गैस का डेटा हो गया या किसी इवेंट का डेटा हो गया या छोटे मोटे डेटा हो गए उसके लिए हम एक नया टेबल अपने डेटाबेस में नहीं क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अगर डेटाबेस में कोई नई चीज अगर एंट्री करना है आपको तो उसके लिए टेबल जनरेट करना होता है उसका इंटरफेस जनरेट करना होता है क्यूरी जनरेट करना होता है बहुत सारी चीज जनरेट करना होता है तो बार बार टाइपिंग छोटे मोटे चीजों के लिए स्टोरेज नहीं बनाएंगे इसलिए हम इसका एक्सेल इस्तेमाल करते हैं कि अभी हम टेम्पररी डेटा को इजीली स्टोर कर सके तो पहला स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी इस्तेमाल इसका यूजेज बताएं तो दूसरी यूजेज इसका होता है उसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस। एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है मतलब कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई डेटा छोटा मोटा डेटा आ गया मान लीजिए कि मेरे पास डेटा मैं आपने पेरोल डेटा से मैंने एक सैलरी का अपना डेटा डाउनलोड किया ये मेरी सैलरी के डेटा है कि किसी महीने में सैलरी पता करना ठीक है चलिए डेटा है तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में किसके कितने हेडकाउंट क्यों चाहिए क्रिसमस आ रही है मुझे क्रिसमस के गिफ्ट देने तो क्रिसमस के गिफ्ट हमें देने हैं इसके लिए हमने डेटा को मतलब कि हमें चाहिए ताकि हम हर डिपार्टमेंट हम एक ही बंदे को ना देके हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिससे हमारा काम आसान तो इसके लिए सैलरी का डेटा सबसे अच्छा डेटा है इस चीज को जानने के लिए तो हमें एनालाइज करना है ताकि हम उसने गिफ्ट को भेज सके इन्फॉर्मेशन एनालिसिस इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं इसको तो सिंपल पिवट में जाएंगे पिवट टेबल एंड ओके और यहां पे हम अपने डिपार्टमेंट का डाटा को यहां रखेंगे और इसके आगे हम देंगे अपने नेम का डेटा तो हमें काउंट आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसने देगा ठीक है मुकुल जी मुकुल जी समझ में आया आपको तो एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं या इंफॉर्मेशन के लिए एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन तो कह सकते हैं दूसरा हमारा तीसरा यूज होता है कैलकुलेशन के लिए अब बोले कैलकुलेशन के लिए क्यों देखिए अगर बाकी कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है तो उनके उनके जो वहां पर जो होगा उनके पास जो कैलकुलेशन के लिए बना होगा प्री डिफाइंड होगा लेकिन मान लीजिए कि आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करनी हो तो कैसे करोगे आपकी अपनी क्राइटेरिया है आपकी अपनी ये चीजें हैं उस पर आपको कैलकुलेशंस करना है तो उसके लिए हम इजीली कर सकते हैं अपनी एक्सेल से अब उसका अगर हम एग्जांपल आपको बताएं तो एग्जांपल यहां पे कुछ इस तरह से है देखिए जैसे कि मेरे पास एक प्रिंसिपल है एक मान लीजिए लोन कैलकुलेशन का ही कर लेते हैं कि हमने 50,000 रुपए की एक लोन हमने 14% के इंटरेस्ट रेट पे 5 सालों के लिए लिया 5 वर्ष के लिए मुकुल जी हमें सुन पा रहे हैं ना
क्या मुकुल जी आप लॉग आउट हो गए क्या? हेलो मुकुल जी, मैं आवाज नहीं आ रही आपको क्या? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर ये कैलकुलेशन वाला पॉइंट पे समझ नहीं आया। आपकी कैलकुलेशंस मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मान लीजिए कि डेटा है, मैं कोई भी ए है मतलब कि कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी है आपको अपने हिसाब से, तो बाकी सॉफ्टवेयर में तो इनबिल्ट फंक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे पास एक है आपको कि 50,000 रुपए 14% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपने लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी मुझे ईएमआई एक कैलकुलेट करना है, मतलब अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हो सकता है एक्सेल में फॉर्मूला हो सकता है एक्सेल में फॉर्मूला ना हो, या किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है फॉर्मूला हो, या हो सकता है ये फॉर्मूला ना हो। समझ गए? तो अगर बाकी सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला नहीं है तो फिर हमें उसके लिए अपने टैग टीम को बोलना पड़ेगा कि ये यार इसके लिए फंक्शन क्रिएट कर दो, क्योंकि आप सैप पे या सैप पे अगर आपका डेवलपमेंट आपने नहीं सीख रखा है तो मुझे लगा कि आप उस पे बना पाए क्या है? Yes. इस पे तो हम अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा लेंगे, हम सीधे यहां पे करेंगे। हाँ यहां पे सीधे हम करेंगे कि हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहता है, हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बताएंगे कि P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइड बाय N पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाय N। मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कहती है, तो सिंपल हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि इक्वल वन वन नहीं इक्वल आर एन मल्टीप्लाई बारह, बारह करता था नंबर ऑफ पेमेंट मतलब कि ये साल कितने महीने के हिसाब से होता है, इंटरवल देना होता है, फिर इक्वल वन प्लस ये हो गया उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर इसका पावर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 60 12 माफ कीजिएगा एंड दैट मल्टीप्लाई बाई ठीक है, हमने कहीं पे गलती किया हुआ हो गया। अच्छा ये डिवाइड बाय 12 हो, माफ कीजिएगा डिवाइड बाय 12 हाँ अमाउंट आ गई। तो इससे से एक अलग अलग सेल में किया, हम फॉर्मूला मर्जिंग में थर्ड से इसको एक सेल में कर सकते हैं, एक सेल मतलब कि इसको कॉपी किया हमने और हमने यहां पे आए और एच यहां पे पेस्ट कर दिया ब्रैकेट में, फिर इसको कॉपी करेंगे और यहां जहां पे हमारा जे टेन है आई टेन है ब्रैकेट में लेके इसको पेस्ट कर देंगे और फिर इसको कॉपी करेंगे इस फॉर्मूले को, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसको लगाने का तरीका यही है कि अलग अलग आप लगा लें कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लें एंड लास्ट में उसको इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लें। इससे बेनिफिट क्या होता है आपका कि आपके फॉर्मूला अगर कहीं एरर देता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि फॉर्मूला कहाँ एरर है, जैसे ये एरर था मैंने सही कर लिया और इसके बाद जब हो जाए तो फॉर्मूला को कॉपी कीजिए और जहां पेज करना चाहते हैं वहां पेज कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर मैं अभी तो छोटा मामला ले, आगे चल के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, दो चार लाइन की कैलकुलेशन होगी, तो कहीं ना कहीं कॉमा ब्रैकेट छूट सकता है आपसे। ओके, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंपल कैलकुलेशन के लिए। सिंपल कैलकुलेशन, तो यहां पे आपने देखा कि हम किस तरीके से अपना कैलकुलेशन खुद से कर लें। अगर मैं नीचे से ये जो सेल्स हैं रो नंबर 10 से ये पूरा डिलीट कर दूं तो तब भी कुछ बेनिफिट तो कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई लिंक नहीं, इसका मैं लिंकिंग हटा दिया ना सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। तो तीसरा कैलकुलेशन है कि आप अपने मन के मुताबिक कैलकुलेशन को कर सकते हैं। एंड चौथा हमारा आता है, वो आता है सेट, सेटिंग या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, या फिर रिप्रेजेंटेशन। अब ये सबसे मेन पॉइंट है एक्सेल के लिए। अब जैसे मान लो कि मैं फॉक्स प्रो यूज करता हूँ, फॉक्स प्रो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लाख गुना एक्सेल से अच्छा सॉफ्टवेयर है, या फिर सैप या सैफ, जो भी सॉफ्टवेयर, एनी वन एग्जाम्पल है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को अगर मैं किसी के पास भेजू तो क्या लग रहा है कि वो पर्सन मुझे 100% ये रहेगा, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस सॉफ्टवेयर को ये कर सकता है, मतलब कि मेरे उस फाइल को देख सकता है। क्योंकि वो फाइल उसके सिस्टम पे खुलेगी या नहीं खुलेगी इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं। समझ गया, कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हर सिस्टम पे होना हम नहीं समझते कि हर सिस्टम पे होगा ही। एक्सेल तो हर सिस्टम में हो गई तो इजी टू शेयर। लेकिन एक्सेल तो हर सिस्टम पे होगा। अगर मान लो कि एक्सेल एप्लीकेशन नहीं है तो ओपन ऑफिस होगा, ओपन ऑफिस नहीं है तो गूगल ड्राइव के जरिए भी इस पर्टिकुलर मतलब फाइल को ओपन किया जा सकता है। राइट, या तो गूगल ड्राइव भी है ना, जैसे कि आप ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सेल इतना पॉपुलर है और इतना इजी है क्योंकि इसको हर जगह ओपन होने के चांसेस होते हैं और मोस्टली सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, यस सर। तो एक बेनिफिट हमारा ये हुआ। तो ये चार क्राइटेरिया मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं एक्सेल के यूज, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, कि स्टोरेज, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना, एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशंस एंड रिपोर्ट इजी टू शेयर करना। ओके सर, ठीक है। तो इसका इसीलिए हम इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक्सेल का हमने यूजेज एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया, हमने इसके यूजेज के एग्जांपल्स के बारे में देख लिया कि हाँ इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। एक्सेल के वर्जन जो मैं आपको सिखाऊंगा 2016 की ट्रेनिंग में दूंगा, पहले बता देता हूँ।
जो कि लेटेस्ट वर्जन है और आज के ज्यादा पॉपुलर भी यही है। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वर्जन कौन सा सीखते हैं। अगर एक्सेल में कमांड हुआ तो आपके सामने कोई भी वर्जन होगा उसको आप एक्सेस कर पाओगे, चाहे 2007 हो या 2013 हो या 2016। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मेरी खुद की एक ये है, मतलब कि आदत है कि हम सबसे पहले उसकी लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं कि उसका लिमिटेशंस क्या है। ठीक है सर, तो चलिए इसकी लिमिटेशंस के बारे में एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं इसकी लिमिटेशंस। तो अगर मुझे लिमिटेशन की बात नहीं करूं, किसी भी पर्टिकुलर मान लें कोई भी आपके पास मान लें कि आपका कमांड हो, हेल्प कमांड हो, कोई फंक्शन या कोई फीचर्स हो जिसको आप भूल गए हो, आपको याद था बट आप कुछ दिन बाद भूल गए, तो ऐसे फीचर्स और कमांड को दोबारा रिकवर करने के लिए क्या करोगे आप? कुछ ऐसे फीचर्स जो मैं भूल गया हूं। हाँ, मैंने मान लीजिए कंडीशन कन्वर्टिंग को मैंने आपको सिखा दिया, कंडीशन कन्वर्टिंग आपको आता है बस थोड़ी सी मेमोरी, आपको मेमोरी को थोड़ा सा अपडेट कर दे तो आप उसको इजिली निकाल लो। तो इसके लिए जस्ट आप इसके इस पे कर्सर लेके जाओ, इसमें आपको आता है इसका स्क्रीन टिप्स, इसे समझना है तो टेल मी मोर पे क्लिक करो, आपका एक्शन हेल्प मिल जाएगा। लेकिन जनरली हमारी ये आदत नहीं होती है, जनरली हम क्या करते हैं, हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम गूगल पे सर्च तो कर लेते हैं लेकिन गूगल पे जो चीजें मिले वो सही हो या जो रिक्वायरमेंट है हमारा उसके अकॉर्डिंग हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गूगल पे जो चीजें दी गई हो वो हम जैसे आप ऐसे लोग अपने आर्टिकल एंड अपने वेबसाइट पे डालते हैं, प्रूफ रीडिंग तो नहीं होता है ना। yes. इसलिए हम आदत डालें कि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको एक्सेल हेल्प पे सर्च करने का। जैसे कि मुझे लिमिटेशंस पता करनी हो कि एक्सेल के एवरी फीचर्स की लिमिटेशंस क्या है तो मैं जस्ट एक्सेल हेल्प पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा लिमिट्स। आपके यहाँ पे एक्सेल लिमिट आ गई, यहाँ पे फीचर्स इसकी मैक्सिमम लिमिट। अब कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर हमें क्या जरूरत है इस लिमिटेशन को जानने की, लेकिन हम मैं बताता हूं कि हमें जानने की जरूरत पड़ जाती है। क्या सर? कि अगर मान लीजिए जैसे कॉलम बेल्ट है इसकी 255 कैरेक्टर्स के लिमिटेशन है, बच्चे पूछते हैं हमें क्या जरूरत है इस चीज को जानने की, हम जितना बड़ा माउस से करेंगे बड़ा होना होगा हो जाएगा क्या? बकुल जी, हमें इस बात को जानने की क्या जरूरत है इस लिमिटेशन को है, हम टाइम क्यों वेस्ट करें इसको जानने। तो देखिए बात करते हैं जानने की तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे किसी कॉलम विड्थ की बात ने लिया तो आते नॉर्मल एक्सेल में इसको यहां से बड़ा कर दिया, लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आप बना रहे हो, कोई ऐसी मैक्रो या बना रहे हो जिसमें आपकी एक बड़ी डेटा को स्टोर करना है कॉलम में और कॉलम के लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी चाहिए, तो आपने प्रोग्राम लिखा कि कॉलम विड्थ सी बाय सी डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू आपने दे दिया 500 पॉइंट्स। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसकी लिमिटेशन उतना तो है नहीं, तो वीडियो उसको बड़ा करेगा नहीं तो वहां पे क्या हुआ, एरर शो करेगा और हमको समझना मुश्किल हो जाएगी कि एरर शो क्यों कर रहा है, सब चीज तो सही लिखा है शो क्यों कर रहा है। बट इसमें जैसे एक कॉलम में एक सेल के अंदर कॉलम विड्थ है ये 255 कैरेक्टर्स, मतलब एक सेल में मैं 255 कैरेक्टर्स ही राइट कर सकता हूँ? नहीं नहीं, 255 कैरेक्टर लंबा हो गया, 409 पॉइंट हो गया, एक सेल में आप 32,767 कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ कंटेंट मतलब कि विजुअल कॉलम को उतना बड़ा कर सकते हो जिसमें 255 कैरेक्टर विजुअल हो सकते, जैसे कि यहाँ पे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 7. अब यहाँ पे 8 करेक्टर्स विजिबल हो रहा है, इसकी साइज 1 करेक्टर आसपास है। कैप्स में होता है, स्मॉल नाम 8 चला गया, लेकिन अगर कैप से हो तो इसमें कम जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही है, 6 के आसपास है, समझ गया ना। तो लेंथ इस तरह से होता है, कैप के मान कैप्स में नापा जाता है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इतना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग नेस्टेड इफ लगाते हैं या फिर नेस्टेड फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कभी पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, तो ऐसे कितना कितना बड़ा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ना, ये जो फॉर्मूला का जो करेक्टर है, वो करेक्टर 32,767 से ऊपर जाएगा, आपका फॉर्मूला वर्क करना बंद कर देगा। ओके, चाहे मैं उसे मर्ज सेल कर दूं या फिर वो कर दूं, कुछ भी कर दूं, फॉर्मेटिंग चेंज करके फॉर्मेटिंग कर दूं, तब भी ओके। अगर मैंने सेल को मर्ज करता हूं तो यहां पे यहां एक आइडेंटिफिकेशन है ना, सेल C10 एक ही सेल कहलाता है। फॉर्मूला में नहीं लिखते हैं कि C10 से लेके L10 तक, एक ही C10 लिखते हैं। अगर हम कुछ लिंक करना हो तो C10 ही सिलेक्ट होता है, समझ गए। अब इसकी बात हुई, तब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो रेंज को सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो जो सेल होता है हर सेल का एक अपना एड्रेस है, जिसको जैसे B4, C4 इस तरह से नापते हैं। तो उसका एड्रेस जिसे हम डाला A1, मतलब कि वन रो एंड कॉलम A, तो ये अभी सेम सीट पे है इसलिए हम A1 बोल दिया, ये किसी और सीट पे होगा तो उससे हम बोलेंगे C2A1, और किसी और फाइल पे होगा तो उस पर्टिकुलर फाइल, जैसे कि डेटा पे चले जाए डेटा, उस पर्टिकुलर फाइल और फिर हमारा उस पर्टिकुलर शीट फिर रेफरेंस। तो अभी तो फाइल जो दिख रहा है वो विदाउट पाथ दिख रहा है, क्यों विदाउट पाथ दिख रहा है, क्योंकि मेरा फाइल ओपन है। जैसे उस पर्टिकुलर फाइल को मैं बंद करूंगा, जैसे मैं डेटा वन को मैंने यहां से बंद कर दिया, सेव कर दिया, तो यहां पर देखिए पाथ दिख गया। तो वैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप में तो सिर्फ पाथ ही ये पाथ आ रहा है, हमें सिर्फ D2 आता है। तो ये होता है कि अगर आपने फाइल ओपन कर रखा है तो पाथ नहीं दिखेगा। जैसे अभी देखो, अभी मैं वापस इस फाइल को ओपन करता हूं तो पाथ हट जाएगा। हट गया बात, ठीक है मुकुल जी। Yes. इस तरह से हमारा पाथ हट गया। तो लिमिटेशन, अगर शॉर्टकट्स की बात में करूं तो शॉर्टकट भी हम यहीं से ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहां पे शॉर्टकट सेलेक्ट किया और यहां पे मेरे शॉर्टकट्स का लिस्ट निकलता आ जाएगा। तो हमें गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे देख सकते हैं। एक्सेल शॉर्ट कीबोर्ड शॉर्टकट एंड फंक्शन की क्लिक कीजिए, आपके शॉर्टकट्स यहां। ठीक है सर, ठीक है सर। तो शॉर्टकट आ गया। तो आप क्या कीजिए, लिमिटेशन को एक बार स्टडी कर लीजिए एक्सेल हेल्प से निकाल के, उसके बाद आप शॉर्टकट को स्टडी कर लीजिए। ओके ठीक है। कल की क्लास में हम आपको एक्सेल की सेटिंग्स और उसके अंदर जो चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है सर। प्रॉपर जो एक क्लास है बेसिक के अलावा जो फॉर्मूलेज हैं वो कब से स्टार्ट होगी? फॉर्मूलेज होंगे कंडीशन वन बाय वन चलेंगे। अभी हम फाइल मेनू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम कल फाइल मेनू के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम होम मेनू पे स्टार्ट करेंगे, होम मेनू को फिनिश करेंगे, देन इंसर्ट मेनू को फिनिश करेंगे, देन पेज लेआउट को, देन फॉर्मूला। ऐसे मेनू वाइज में वन बाय वन चलते। ओके समझ गए। अच्छा कल हम होम करेंगे? नहीं कल होम नहीं होगा, होम परसों, कल हम फाइल मेनू करेंगे। ओके कल फाइल देन होम देन इंसर्ट देन पे आउट देन पे ले आउट डेटा व्यू आगे फिर से बढ़ेंगे। ठीक है सर। ऐसे क्या होता है कि इस तरह से मैं पढ़ाता हूं मैं, तो बच्चों को पता होता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है।
और उनको पता चलता है कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। क्या सर, मैं कुछ टॉपिक यहां से करा दूं, कुछ टॉपिक वहां से करा दूं, कुछ टॉपिक वहां से करा दूं, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कभी क्या पढ़ना है। इसलिए हम सीक्वेंस लेके चलते हैं मेनू के हिसाब से, ताकि आप अगर मान लो कि एक दो दिन छुट्टी हो गई तो आप अपनी अगली क्लास की प्रिपरेशन कर सको, या फिर आपको आइडिया लगाना हो कि हम कहां तक पढ़ चुके हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं। राइट सर। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी आपसे, कुछ लोग डबल वी लुकअप यूज करते हैं, वो कैसे होता है डबल वी लुकअप, डबल वो किस लिए यूज होता है? डबल वी लुकअप इन सेंस डी लुक, मतलब दो वी लुकअप लगाते हैं एक में। हाँ जी हाँ, तो दो वी लुकअप मल्टी सीट लुकअप के लिए होता है। वो किस लिए होता है? मल्टी सीट जैसे दो सीटों में डेटा है आपका, तो आप चाहते हो इस सीट से ना, इस सीट में डेटा ना मिले तो दूसरे सीट से ले ले, एक इफ एरर के साथ लगाते होंगे वो लोग, इफ या इफ एरर के साथ लगाते हैं कि अगर पहले वी लुकअप रिजल्ट ना दे तो दूसरी वी लुकअप से लगे। ओके, ना जैसे दो सीट पे डेटा है आपका, मान लो कि एक दिल्ली का डेटा है, एक मुंबई का डेटा है, अब एक कस्टमर को ढूंढना है, आपको नहीं पता है कि दिल्ली का कस्टमर है मुंबई का कस्टमर है, क्या आप दोनों में लगा के देखोगे ना? राइट। तो दोनों को एक सेल पे कैसे लगाओगे, तो उसके लिए हम लोग इफ एरर या इफ का यूज इस्तेमाल करते हैं, चेक कर लेते हैं उसे। एक बारी आप करके दिखा सकते कोई एग्जांपल उसका? विलोकप आपको पहले आता है कि नहीं आता है पहले बताइए, विलोकप आता है तभी समझ पाओगे। हाँ, अभी लुकअप आता है मुझे। जैसे मेरे पास डेटा यहाँ पे देखिए क्या हो गया, डेटा वन एंड डेटा टू, तो डेटा वन में मेरे पास जो डेटा है एक से लेके 50 तक का है, और डेटा टू के अंदर मेरे पास जो डेटा है 51 से लेके 100 तक का है। तो अब मेरे पास किसी हमारे किसी एक टीम ने मुझे एम्प्लॉय नंबर भेजा हुआ है जो कि मिक्स है, तो सीट वन से भी है सीट टू से भी है, तो मुझे अगर हम डबल वी लुकअप ना लगाए मल्टी सीट वी लुकअप ना लगाए तो मुझे इन दोनों डेटा को एक में मर्ज करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके इसके नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं क्योंकि डेटा मेरा डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, डेटा लिंक है कुछ भी है एनीथिंग, इसलिए तो उस केस में हम क्या करेंगे कि दो वी लुकअप लगाए कि वी लुकअप, इसको हम पहले डेटा वन में सर्च करेंगे कॉमा टू कॉमा जीरो, एंड अगेन वी लुकअप लगाएंगे एक और वी लुकअप, और फिर इसको सीट टू में सर्च करेंगे, तो किसी एक में वो मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि किसी में डेटा है, किसी में इसमें डेटा है तो ए एरर है, किसी में ए एरर है तो इसमें डेटा है, तो इस तरह से दो कॉलम हम नहीं रख सकते, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, नहीं रख सकते, हम चाहते हैं कि एक ही सेल में ये दोनों वी लुकअप आ जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एरर कि पहले को एंड दूसरे को। इफ एरर काम क्या है कि अगर कोई वी लुकअप या कोई भी फॉर्मूला अगर यहां पे एक साइड रखते हैं एक दूसरे साइड रखते हैं, अगर एक एरर देता है तो दूसरा शो करेगा, तो हम इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे हमने अभी ये किया था इंटरेस्ट अमाउंट को, अब हो गया जरा कर दीजिए। ठीक है, दो बिलों का हो गया ना इसमें, ऐसा 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 बिलों को लगा सकते हैं, मतलब हम सकते हैं या फिर इसके साथ भी लगा सकते हैं, इफ के साथ लगा तो फिर इज एरर देना पड़ता, लेकिन वो 2003 हुआ करता था, अभी इस वाला का फॉर्मूला आने से कोई इज एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करता। ओके, अगर डबल लुक डबल वी लुकअप लगाना है तो इफ एरर यूज करना पड़ेगा। हां, तो ये इफ एरर इफ ये वी लुकअप एक यूजर ये बैटरी सीट में डेटा नहीं लुकअप उसके सारे क्या
दो डेटा, दो फाइल, दो शीट पे लुकअप करने के लिए इसको हम लोग मल्टी शीट भी लुकअप कहते हैं। ठीक सर, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है तो मिलते हैं कल।